विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की ताकत बढ़ गई है। बिहार गरेरिया मोर्चा का वीआईपी में विलय हो गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल ने अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को वीआईपी की सदस्यता ली। बता दें कि सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें तेज है। संतोष पाल ने गुरुवार को वीआईपी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचकर मुकेश सहनी की मौजूदगी में बिहार गरेरिया मोर्चा का वीआईपी में विलय किया। मुकेश सहनी ने सभी का स्वागत किया और कहा कि कल का बिहार कुछ अलग होगा, हम लोग मिलकर इसमें बदलाव करेंगे। गरेरिया मोर्चा के शामिल होने से वीआईपी की ताकत बढ़ी है। वीआईपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले में संतोष पाल के अलावा अशोक पाल, डॉक्टर धनजी पाल, पंकज पाल, शंभू पाल, कृपाल पाल, लवकुश, सौरव, दीपक, भीम, श्रीराम समेत अन्य नेताओं का नाम शामिल है। इस मौके पर वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद भी मौजूद रहे। दूसरी ओर मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे पाला बदल सकते हैं। पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस से पहले सहनी के साथ सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो बदलकर तिरंगा लगाने से अटकलें तेज हो गई थी। उसे बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान से जोड़कर देखा जा रहा था। इसके बाद नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार ने भी सहनी के एनडीए में आने का दावा कर दिया था। हालांकि वीआईपी की ओर से आधिकारिक रूप से यही कहा गया है कि जब तक निषाद आरक्षण पर बात नहीं होती है तब तक बीजेपी से किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता।